दोस्तों आप लोग भी फेसबुक से महीने का 30-40 हज़ार रुपए इजीली कमा सकते हो बाकी लोगों की तरह। जैसे बाकी लोग अभी के टाइम में फेसबुक का सही से यूज कर रहे हैं, फेसबुक में किसी दूसरे का रील्स अपलोड करके और उस रील से महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। लेकिन आप लोग नए हो तो लाखों रुपए नहीं कमा सकते, लेकिन महीने का 20 से 30 हज़ार रुपए इजीली कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, आज के इस वीडियो में जानेंगे। आप सभी का बहुत ही ज्यादा कमेंट आ रहा था कि भाई एक कंप्लीट कोर्स लेके आओ जिसके अंदर आप बताना कि फेसबुक के अंदर किसी दूसरे का रील्स हम लोग कैसे अपलोड करके अर्निंग कर सके, क्योंकि आप जो बताते हो एकदम सही तरीके से बताते हो जिससे कि हमें समझ आता है। तो दोस्तों आप सबके डिमांड पे ये वीडियो आई है। ऐसी वीडियोस, ऐसे कोर्स जो कि लोग अभी के टाइम में पेड यानी कि पैसे दे के आपको दे रहे हैं, वो कोर्स आप सबके लिए फ्री लेके आया हूँ। तो इस कोर्स को यूं व्यर्थ मत जाने दो, बस ध्यान से देखो। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बल्कि आप इस कोर्स को ध्यान से देख के सीख लेते हो तो इजीली आप लोग 30-40 हज़ार रुपये कमा सकते हो। दोस्तों फेसबुक के अंदर हमें किसी दूसरे की रील्स वीडियो डाल के अर्निंग करने के लिए हमें ये तीन चीज़ें पता होनी चाहिए। वो ये कि जिस रील्स को हम लोग अपलोड कर रहे हैं क्या वो रील्स कॉपीराइट फ्री है। जी हाँ मेरे दोस्त, यही वो सीक्रेट्स हैं जो कि आपको कोई नहीं बताता। आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि जिस रील्स को आप अपलोड कर रहे हो क्या वो कॉपीराइट फ्री है, तभी तो आप उससे अर्निंग कर सकते हो। दूसरा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि जिस रील्स को आप अपलोड कर रहे हो क्या वो सच में इतना इंगेजिंग है कि वो खुद से वायरल हो जाए, या फिर आपको किसी ऐसे पॉपुलर फेस का रील्स लेना होगा जो कि पहले से ही इतना पॉपुलर है बट वो अपने फेसबुक पेज पे रील्स अपलोड नहीं कर रहा है। तो ऐसे कैसे फाइंड किया जाता है वो भी इस वीडियो में सीखेंगे। और तीसरा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना हम लोग तो फेसबुक से एक रुपया तक नहीं कमा सकते, वो है व्यूज़। आखिरकार किसी भी वीडियोस को वायरल करने के लिए आप कैसा भी वीडियोस डाल रहे हो, कैसे उसके लिए आप टारगेटेड ग्रुप्स फाइंड कर सकते हो, वो भी ऑटो अप्रूवल यानी कि फ्री, और उन ग्रुप्स में कैसे आप अपने वीडियोस को शेयर करते हो, कितनी बार शेयर करना होता है, किस टाइम पे शेयर करना होता है, ये सारा कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री। दोस्तों इन चीज़ों को सीखने से पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ें भी पता होनी चाहिए, जैसे कि ये कि आप जिस कैटेगरी की रील्स को अपलोड कर रहे हो क्या सेम कैटेगरी आपके पेज का भी है, तभी तो फेसबुक आपके रील्स को रेकमेंड करेगा सही ऑडियंस के पास। और दूसरा नंबर आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस रील्स को अपलोड कर रहे हो उसको आपने एडिटिंग किस प्रकार से की है, तभी तो आप अपने रील्स को मोनेटाइज कर पाओगे सही से एडिटिंग किए रहोगे तो। और तीसरा नंबर, आपने अपने रील्स को अपलोड कैसे किया, अपलोड करने का सही तरीका होता है। अगर आप सही तरीके से अपलोड करते हो तो आप फेसबुक को ये बताते हो कि आपने किस चीज़ को अपलोड किया और किस लोगों के पास दिखाना है। और चौथा नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हैशटैग, जो कि फेसबुक तो खुद बताता है कि आप अपने रील्स के अंदर हैशटैग सही से लगाओ ताकि हम आपके रील्स को सही जगह पर दिखा सकें और वो वायरल हो सके। दोस्तों ये सारी चीज़ आपको फ्री में सिखाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन इतना ज़रूर बताऊंगा कि इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने आपको पहले भी बोला कि यही चीज़ें लोग पेड यानी कि पैसे लेके कोर्स सेल कर रहे हैं, जो चीज़ आपको फ्री में दे रहे हैं, बस इस वजह से क्योंकि हमारे तरफ बहुत सारे ऐसे हमारे भाई बंधु हैं जो कि फेसबुक या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अर्निंग करना चाहते हैं लेकिन उनको कोई स्रोत नहीं मिल रहा, तो मैंने यही देखते हुए ये कोर्स को बिल्कुल फ्री रखा है, जो कि आप लोग इसको ध्यान से देखोगे तो आप लोग सीख जाओगे। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आप सबसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, भाई चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसलिए नहीं कि मेरा सब्सक्राइबर बढ़े, बल्कि मेरे भाई मैं आपको इस चैनल पे फेसबुक से अर्निंग करने के मल्टीपल तरीके बताता हूँ, जिन तरीकों को आप लोग कोई भी तरीका आसान लगे उन तरीकों को सीख के आप लोग फेसबुक से अर्निंग कर पाते हो। हमारे पुराने ऐसे सब्सक्राइबर हैं हमारे भाई लोग जो कि अभी के टाइम में महीने का 30-40 हज़ार रुपये कमा रहे, और जब वो लोग कमेंट करते कि भाई आपकी बदौलत अभी के टाइम में हम लोग महीने का 20 से 30 हज़ार या 40 हज़ार रुपये कमा रहे, तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर सच में आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हो। चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं, चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे जहाँ पे मैं फुल प्रोसेस बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों आ चुके हैं हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना होगा, फेसबुक में आते हैं तो सबसे पहले हम लोग एक ऐसा रील्स को फाइंड करेंगे जिस रील्स में कोई कॉपीराइट क्लेम ना आने वाला हो, ताकि हम इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म तक उस पर काम करके उससे अर्निंग कर सके। जी मेरे दोस्त, फेसबुक के अंदर शॉर्ट टर्म की अर्निंग भी होती है, जो कि टीवी सीरियल्स, रेसलिंग की वीडियोस होती है, क्रिकेट के हाइलाइट्स होते हैं, मूवीज़ होती है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शॉर्ट फॉर्म के लिए काम कर सकते हो, लेकिन उसमें पैसा ज़्यादा होता है। लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए।
और दूसरा नंबर जो कि लॉन्ग फॉर्म, जो कि मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, जिसमें आप इसी में सीख जाओगे, जो कि लॉन्ग टर्म यानी कि लंबे समय तक अर्निंग करोगे। वैसे कम करो 20-30 हज़ार महीना, लेकिन बहुत ही ज़्यादा करोगे। चलिए फेसबुक को हम लोग ओपन करते हैं। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है कि कैसे आप अर्निंग कर सकते हो। जैसे हमने फेसबुक को ओपन किया तो हमें सबसे पहले ये फाइंड करना होता है कि फेसबुक के अंदर कि हम जिस रील्स को अपलोड करने जा रहे हैं क्या वो कॉपीराइट फ्री है। तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। मान लेते हैं कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ ध्रुव राठी। यहाँ पे जैसे सर्च बार पे क्लिक करेंगे, अब ये ध्रुव राठी आप लोग लिख लेना, मैंने यहाँ पे सर्च किया है तो मैं ध्रुव राठी पे क्लिक करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है ये कि आपको कैसे पता चलता है कि भाई ये रील्स कॉपीराइट फ्री है। देखो यहाँ पे जैसे मोर पे क्लिक करेंगे यहाँ पे और रील्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि इस भाई ने, इनका फीस पॉपुलर है, इनको बहुत सारे लोग जानते हैं और ये हमेशा कंट्रोवर्सी में घिरे रहते हैं क्योंकि ऐसे मुद्दे पे वीडियो ही बनाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने टोटल यहाँ पे 17 रील्स अपलोड करी, यानी कि इनके चैनल पे तो बहुत सारा वीडियोस है लेकिन रील्स सिर्फ 17। इससे क्या आपको मिलता है हिंट? इससे ये मिलता है कि इन्होंने रील्स अपलोड नहीं किया तो हम लोग इनके रील्स को अपलोड करके ईजिली अर्निंग कर सकते हैं। और इनका फेस वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है कि इनका रील्स ईजिली वायरल हो जाता है और ये फैक्ट के साथ बात करते हैं जिससे कि लोग इंगेज भी होते हैं इनकी वीडियो से। तो वही चीज़ हम वही माइंड यहाँ पे लगाने वाले, इसलिए मैं कहता हूँ कि जो कोर्स लोग पेड यानी कि पैसे लेके भी इतना अच्छी जानकारी नहीं देते जो मैं आपको फ्री में देता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मेरे टेलीग्राम पे चले जाना जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ पे हमें इनकी वीडियो से अर्निंग करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले यूट्यूब पे आना होगा। तो चलिए यूट्यूब को हम ओपन करते हैं। अब यहाँ पे मैंने इनके चैनल को ओपन किया, आप लोग भी इनके चैनल को ओपन कर लेना जिस चैनल का नाम है ध्रुव राठी, जो कि 16 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला वीडियो मान लो कि इसी वीडियो को आपको डाउनलोड कर लेना है। अब आप लोग कहोगे कि भाई डाउनलोड करने तो नहीं आता, तो भाई डाउनलोड करना सिखाना ये कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, वहाँ पे सिखाता हूँ। ठीक है, यूट्यूब को पता नहीं चलेगा, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से इसको डाउनलोड करना। देन जैसे आप लोग इसको डाउनलोड कर लेते हो तो बात आती है एडिटिंग की। तो एडिटिंग करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आप उसको एडिटिंग किस तरीके से कर रहे हो जिससे कि कॉपीराइट मैच ना हो। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे एडिटिंग के लिए हमें क्या करना होगा, काइन मास्टर में आना होगा। काइन मास्टर, अब इस काइन मास्टर में आपको ये पता होना चाहिए कि भैया वाटरमार्क वाला या फिर बिना वाटरमार्क वाला। तो बिना वाटरमार्क वाला लेना है तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे आना होगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आपका भाई आपके लिए सब कुछ करेगा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट एक काइन मास्टर को ओपन करना है, लेकिन आपको थोड़े दिन करके नहीं छोड़ना है, आपको लॉन्ग टर्म तक काम करना है ताकि आप लोग सक्सेस हो पाओ और मेरा भी मेहनत जो कि वीडियो बनाने का ये सफल हो जाए कि चलो भाई कोई तो अर्निंग कर पा रहा है इस वीडियो की मदद से। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे एक क्रिएट न्यू का एक ऑप्शन है ये वाला, ये इसके ऊपर आपको टैप करना है। जैसे आप ये टैप करोगे तो आपके सामने ये रेशियो सिलेक्ट करने का मांगेगा 9.16 का। ठीक है, अब यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है जो कि आपको समझ नहीं आएगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं कमेंट पिन में भी दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहाँ मैं लाइव आता हूँ तो वहाँ पे आप लोग पूछ भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे यही रेशियो को सिलेक्ट करेंगे ये वाला 9.16 वाला। तो चलिए इसको जैसे आप सिलेक्ट करते हो और यहाँ पे जो क्रिएट का एक ऑप्शन है, चलिए मैं आपको बता दूँ, एक क्रिएट वाला, इस पे आपको टैप कर देना है। जैसे आप यहाँ पे टैप करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा जो कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप वहाँ पे क्रिएट पे ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा। तो चलिए देखिए, जो डाउनलोड किया होगा वो डाउनलोड वाले फोल्डर में आपका वीडियो होगा, क्या डाउनलोड फोल्डर में। ठीक है, तो चलिए डाउनलोड पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पे जो वीडियो हमने सेलेक्ट किया था वो यही वीडियो, वीडियो तो आप सेलेक्ट कर ही लोगे। चलिए इस वीडियो को मैंने सेलेक्ट कर लिया, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यही चीज़ समझने की है। तो मैं वॉल्यूम को कम कर लेता हूँ। ठीक है, और वॉल्यूम को मैंने कम कर लिया है और ये जो वीडियोज़ है इसमें 12 मिनट की वीडियो है, तो कम से कम अगर हम लोग एक एक मिनट की रील बनाते हैं तो भी 12 रील बनता है, लेकिन मैं एक रील बनाना सिखाऊंगा और आप लोगों को क्या करना है, इसमें जो जो पार्ट आपको अच्छा लगे उस पार्ट को काट के हटाना है, उस पार्ट को ही रखना है, बाकी दूसरे बार फिर दूसरे पार्ट को एक वीडियो से आप कम से कम 5-7 रील बनाना। तो चलिए यहाँ पे इस हिसाब से मैं बता रहा हूँ जिससे कि आप में से बहुत सारे लोग इस पे काम करेंगे तो उनका जो कॉपीराइट मैच ना हो, इसलिए मैं एडिटिंग सिखा रहा हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पे टाइप करना है और ये जो लाइन आपको दिख रहा है इस लाइन पे जैसे आप टाइप करोगे उंगली से तो ये पीला लाइन आ गया। देखो ये पीला लाइन हो गया, जब पीला लाइन हो जाएगा तो यहाँ पे आपके सामने ये ऑप्शन खुलेंगे इस साइड। देखो यहाँ पे
जैसे ऑप्शन खुलेंगे तो आपको थोड़ा सा ऊपर जाना है और आपके सामने ये पेन जूम का एक ऑप्शन आएगा, पेन जूम, यहाँ पे देखो पेन जूम, इसके ऊपर आपको टैप करना है। जैसे आप इसके ऊपर टैप करोगे तो ये बताएगा पेन जूम। अब इस पेन जूम के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो आधा रील को हम लोग कट कर देते हैं। मान लो कि यहाँ से रील जो कि हमें इस साइड का लेफ्ट साइड का काटना है, एक मिनट, ये लेफ्ट साइड का काटना है, ये इस साइड वाला काटना है और इस साइड वाला काट के और इस साइड वाला रहने देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ट्रिम का जो ऑप्शन है, ये बार बार इधर क्लिक हो जा रहा है, यहाँ पे जो ट्रिम का एक ऑप्शन है, ये देखो यहाँ पे ये ट्रिम का एक ऑप्शन है, ट्रिम स्प्लिट, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे तो आपके सामने पांच ऑप्शन, चार ऑप्शन खुलेंगे, ट्रिम लेफ्ट एंड ट्रिम राइट। तो आपको सिर्फ दो ऑप्शन से मतलब है, अभी हमें क्या करना है, ट्रिम लेफ्ट यानी कि लेफ्ट साइड का काटना है। तो चलिए यहाँ पे ट्रिम लेफ्ट ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे तो लेफ्ट कट गया। अब यहाँ से मान लो कि 20 सेकंड का रील है या फिर 25 सेकंड का, 20 सेकंड का ही रख लेते। तो यहाँ से अब हमें क्या करना है, इधर का पार्ट नहीं लेना है, ये पार्ट काट देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ट्रिम राइट, ये देखो ट्रिम राइट, जैसे राइट पे क्लिक करेंगे तो हमारे 21 सेकंड का रील है। अब हमें, अब ये जो फ्रेम है कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन इसको हमें थोड़ा सा जूम करना है। देखो कैसे, तो आपको ये पेन जूम का एक ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है, जो मैंने पहले बोला था। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये दो इक्वल का साइन आएगा, ये देखो ये दो इक्वल का साइन आएगा, जस्ट इस पर आपको टैप कर देना है। चलिए टैप करके, और जैसे आप फोटोज़ को दो उंगलियों से ऐसे जूम करते हो ऐसे, ठीक इसी प्रकार इस वीडियो को ऐसे जूम करना है। चलिए इसको मैं जूम करके बड़ा कर देता हूँ, एंड ये हो गया है, पूरा फिल स्क्रीन में आ गया है, पूरा फुल स्क्रीन में आ गया। और ये जब चलेगा, ये देखो जब चलेगा तो कुछ ऐसा बताएगा। तो ये देखो ध्रुव राठी का जो है फेस कट रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको थोड़ा सा सेंटर करेंगे, यहाँ से जैसे फोटो को सेंटर करते हैं। तो चलिए मैंने इसको सेंटर कर लिया, अब ये ध्रुव राठी का जो फेस अब सेंटर में आ गया। तो इस हिसाब से आपको ये जो एडिट करना है, अब मान लो कि मैंने ये एडिट कर दिया, अब थोड़ा सा बैक आ जाते हैं, जो कि एडिटिंग का प्रोसेस बहुत आसान था, ठीक है। अब इसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ये जो होम का फीचर है यहाँ पे, देखो इस पर आपको टैप करना है, जस्ट आप यहाँ पे टैप करोगे तो ये सेव करने का ऑप्शन आएगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप फुल HD में ही करना, 1080 पे ही करना, और ये 60 FPS जो है वो 60 रखना फ्रेम रेट, ठीक है 60। अब यहाँ पे जो है कि कट करके और वीडियो को सेव करने के लिए सेव वीडियो है, देखो यहाँ पे सेव वीडियो, इस पर आपको टैप करना है। तो चलिए जैसे मैंने सेव करा, ये यहाँ पे सेविंग हो रहा है, देखिए ये वीडियो हमारा बन के सेव हो चुका है, ये रील हमारा एक बन गया, और जिस रील पे कभी कॉपीराइट क्लेम आने वाला नहीं है। अब यहाँ पे हमारा जो है कि दो इम्पोर्टेंट काम हो गया, दो इम्पोर्टेंट काम, रील्स को कैसे फाइंड करना है और रील्स को एडिटिंग कैसे करना है। अब हम लोग इसको वायरल करने का प्रोसेस बताएंगे, जिसमें मैंने आपको एक पॉइंट बोला था, उस पॉइंट को मैं फिर से दोबारा बोलता हूँ। मैंने ये बोला था कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस रील्स को अपलोड कर रहे हो उस रील्स की कैटेगरी और जो आपका पेज है, क्या उस दोनों की कैटेगरी एक जैसा है, तभी तो आपके फेसबुक आपके रील्स को सही लोगों के पास ले जाएगा। तो जी हाँ मेरे दोस्त, इसको मैं कट करता हूँ, यहाँ से जस्ट ऊपर जाएंगे एंड थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और फेसबुक को हम लोग ओपन करेंगे। फेसबुक को तो हम लोग सबसे पहले, हमारे पास कोई ऐसा पेज नहीं है, और है भी है तो उसका क्या कैटेगरी है हमें पता नहीं है। तो पेज का कैटेगरी के लिए हमें सबसे पहले एक पेज हमें बनाना होगा। तो चलिए सबसे पहले एक पेज बनाते हैं। तो पेज बनाने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा जो पेज है ये किस कैटेगरी में रखना है। तो हमारे जो रील्स है किस कैटेगरी में आता है, एजुकेशन कैटेगरी में, क्या एजुकेशन, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो लोगो का एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये लोगो यहाँ पे हमें टैप करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, जस्ट इस लोगो पे हम लोग क्लिक करेंगे और थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये पेजेस का एक ऑप्शन आएगा, ये देखो पेजेस का एक ऑप्शन आ रहा है, जस्ट हम लोग पेजेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे हमने पेजेस पे क्लिक किया तो आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, कुछ पेज है जो कि आपको शो करेंगे, देन हम लोग ये जो क्रिएट का एक ऑप्शन है इसके ऊपर टैप करेंगे, क्रिएट पे। चलिए हमने क्रिएट पे टैप कर दिया, जैसे आप लोग क्रिएट पे टैप करोगे तो आपके सामने ये आएगा गेट स्टार्टेड का एक ऑप्शन, ये जो आपको दिख रहा है ये गेट स्टार्टेड। अब इसके ऊपर टैप करना है, गेट स्टार्टेड पे जैसे आपने क्लिक किया तो आपको ये पूछेगा कि भाई आपके पेज का क्या नाम है। तो चलिए पेज नेम आपको जो लिखना होगा लिख लेना, मैं यहाँ पे लिखूंगा DHRUV ध्रुव राठी फैन क्लब, यहाँ पे लिखेंगे, इससे कोई इशू नहीं होगा, नेक्स्ट, और हम इसके रील्स को भी यूज़ कर सकते हैं, इससे कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है।
और उल्टा जो है कि ऐसे पेजेस को लोग सपोर्ट करते हैं जो उनके नाम से होता है। अगर आप किसी और नाम से लेके और उसके नाम की रील्स डालोगे तो इससे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन फैन क्लब या फिर ध्रुव राठी गैंग कुछ भी ऐसे, या फिर ध्रुव राठी आर्मी या फिर ध्रुव राठी सपोर्टर्स, ठीक है ना, फैन क्लब या फिर फैन पेज कुछ ऐसा रखते हो, तो उन लोगों को लगता है कि हाँ ये हमारे नाम को ही सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे नाम को ही बढ़ावा दे रहे हैं, तो जिससे कोई कॉपीराइट का इशू नहीं रहता। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्लिक करेंगे और एजुकेशन लिखेंगे। एजुकेशन यहाँ पे जैसे हमने एजुकेशन लिखा, एजुकेशन वेबसाइट, यहाँ पे एजुकेशन वेबसाइट, तो चलिए एजुकेशन वेबसाइट लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो है कि एक ही चीज़ लिखेंगे एंड हेल्थ एंड ब्यूटी आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो, ये जा काफ़ी अच्छा है हेल्थ एंड ब्यूटी। तो यहाँ पे चलिए हेल्थ एंड ब्यूटी दो हमने चीज़ सेलेक्ट किया। एंड आपको क्या करना है, ये क्रिएट का जो नीचे ऑप्शन है, अब इस क्रिएट पे क्लिक करके पेज को यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो जैसे हम लोग क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दो ऑप्शन आएगा जो कि आपको दिख रहा है, प्रमोट यूअर प्रोडक्ट और सर्विसेज, एंड दूसरा नंबर पे आता है क्रिएट कंटेंट एंड कनेक्ट विद फैंस। तो आपको पहला नंबर सेलेक्ट मत करना, इस चीज़ को छोटी छोटी चीज़ को ध्यान देना। ठीक है, देन जैसे इस पे नीचे वाले पे क्लिक करके आपको क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यू करना है, ये कंटिन्यू का जो ऑप्शन है इस पे आपको टैप करना है। तो चलिए यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जैसे हम लोग कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने बोलेगा भैया आपको क्या, ये कैमरा वाला ऑप्शन है, आपको लोगो लगाना है या फिर बैकग्राउंड कुछ लगाना है, तो इस पे हमें क्लिक नहीं करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जस्ट आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे इनवाइट फ्रेंड्स का एक ऑप्शन आएगा, क्या आप अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हो अपने पेज को लाइक कराने के लिए या फिर अपने पेज को फॉलो कराने के लिए, तो ऑफकोर्स ज़रूर इससे थोड़ा सा आपको बूस्ट मिलेगा। तो चलिए इनवाइट फ्रेंड्स पे क्लिक करके यहाँ पे जो है कि ऑल पे आपको क्लिक करना है, ये जो सिलेक्ट ऑल का एक ऑप्शन है इस पे क्लिक कर देना है। चलिए सिलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दिया हम लोगों ने, ये सारा सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे नीचे यहाँ पे देखो ये इनवाइट सेंड इनविटेशन जो है कि 1971 लोगों को चला जाएगा एक ही बार में। तो चलिए यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, अब आपको क्या करना है, ये नेक्स्ट का एक ऑप्शन है, इस नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो सी मोर सजेशन इसको रहने देना, यहाँ पे एक नेक्स्ट का एक ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक कर देना है। फिर से जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो ये नोटिफिकेशन का पूछेगा, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, फिर से आपको ये डन कर देना है। जैसे आप ये डन कर दोगे तो आपका जो है कि पेज लगभग क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे स्विचिंग टू ध्रुव राठी फैन में वहाँ पे आ गया, तो ये जो है हमारा आधा काम हो चुका है। अब हमारा बस छोटे छोटे काम है जो कि आपको उसको समझना है कि कैसे यहाँ पे उस रील्स को अपलोड करेंगे, कैसे उसके लिए ग्रुप्स को फाइंड करेंगे, और साथ ही साथ कैसे उसको जो है कि हैशटैग वगैरह जो सही तरीके से लगाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस रील्स को अपलोड करेंगे। तो चलिए उस रील्स को अपलोड करने के लिए आपको ये प्लस का एक आइकॉन है इस पर क्लिक करना होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं। अब आपको ये समझना है कि आपका स्टोरी है, रील्स है, लाइव है, अपलोड वीडियो है, तो इतना तो आपको पता होगा कि आपका ये रील्स है, तो रील्स पे ही क्लिक करना, लॉन्ग वीडियोस पे प्रेस नहीं करना अपलोड वीडियो वाले पे। तो चलिए रील्स पे हम लोग क्लिक करेंगे, हमने जो रील्स बनाई थी हाल ही में वो रील्स ये है, ये वाला। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग टैप करते हैं, जस्ट इसके ऊपर हमने टैप करा तो हमारा वीडियो चल गया। तो आपको ये अक्सर याद रखना है कि वीडियो डालते वक्त आपको ये इफेक्ट डालना है, जिससे कि आप इफेक्ट को यूज़ करोगे थोड़ा जेन्युइन लगता है। तो चलिए एक इफेक्ट को हम लोग क्लिक करते हैं और ये वाला इफेक्ट को ले लेते हैं, एक ऊपर वाला। एंड जैसे हमने इफेक्ट को ले लिया तो यहाँ पे एक नेक्स्ट का एक ऑप्शन आएगा, ये देखो यहाँ पे नेक्स्ट का, इस नेक्स्ट पे आपको टैप कर देना है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग टैप करते हैं। अब यहाँ पे देखो खुद ही बताता है, ये देखो डिस्क्राइब योर रील, यू कैन ऑल्सो एड हैशटैग हियर, यानी कि ये हैशटैग जरूर डालना ये बोल रहा है। तो चलिए यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दिखेगी, ऐड टॉपिक, सी मोर सेटिंग्स, तो सब कुछ आपको बताएंगे, बस ध्यान से देखते रहिए। और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए यहाँ पे दिखेंगे लद्दाख के लिए DS के लद्दाख यहाँ पे हमने डाल दिया लद्दाख, उसके बाद हम लोग लिखेंगे ध्रुव राठी का, फिर से एक लद्दाख का हैशटैग डालेंगे LADDAKS LAKS लद्दाख डायरीज। चलिए ये लद्दाख डायरीज में एक ही है जो नीचे जिसपे 50,000 पोस्ट है, तो हम लोग वही सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और दूसरा नंबर जो हमें हैशटैग लेना है वो ध्रुव राठी के नाम से लेना है। चलिए यहाँ पे हैशटैग लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे DHRUV ध्रुव
अरे क्या लिख दिया मैंने, DHRUB, ध्रुव। ध्रुव राठी, देखो यहाँ पे ध्रुव राठी का कितना है भाई पोस्ट। यहाँ पे कट करते हैं सबसे पहले, एंड RUB ध्रुव राठी, सबसे ऊपर वाले को हम लोग लेंगे जिसपे कि ध्रुव राठी 44 के पोस्ट है। चलिए यहाँ पे हमने डाल दिया, हमने लद्दाख लिखा, फिर नीचे लिखा हैशटैग लद्दाख, उसके बाद हमने लिखा हैशटैग ध्रुव राठी। ये तीन हमने जो चीज़ें डाली इस पर। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई आपने बोला था कि ऐड टैग, यानी कि ऐड टैग से क्या होता है, ऐड टैग ऐड टॉपिक से। चलिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको फेसबुक खुद बोलता है कुछ टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए कि आपका जो वीडियो है किस टॉपिक से है, उस टॉपिक को यहाँ पे ऐड करो ताकि हमें इजीली हमारे जो है कि फेसबुक एल्गोरिथम को समझ आ जाए कि ये किस टाइप की वीडियो है, किस टाइप की रील्स है और कैसे लोगों के पास दिखाना है। तो चलिए थोड़ा सा ऊपर जाते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा जो है कि एजुकेशन पर्पस से है, तो हम लोग लिखते हैं सेफ सेफ, देखते हैं कि हमारा उसके लिए कौन सा लगता है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग फिटनेस टिप्स को रखेंगे क्योंकि उससे रिलेटेड जो उस फिटनेस टिप्स को देखते हैं वो इस टाइप की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। एंड स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, ये इस टाइप को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन नहीं है। और तीसरा नंबर जो है कि टॉक शो, इस पर क्लिक करेंगे। चलिए एंड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री पे एक क्लिक करेंगे, एंड डॉक्यूमेंट्री नहीं, तीन ही सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे जो है कि आपको सेव का एक ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए सेव कर देते हैं इसको। एंड टिप्स, ये आपको कुछ टिप्स के लिए भी बता रहा है, तो देखते हैं इसके टिप्स। आस्क योर कम्युनिटी टू शेयर योर कॉन्टेंट, यस। चलिए यहाँ पे शेयर नाउ पे एक क्लिक करते हैं, नीचे शेयर नाउ वाले बटन पे। जैसे हम लोग शेयर नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये जो हमारा रील्स है ये शेयर हो चुका है। अब बात आती है कि इसको कैसे हम लोग इसके लिए जो कि इसके जो पॉपुलर ग्रुप्स है, जो इससे रिलेटेड टारगेटेड ग्रुप्स है, उसको कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि अब आती है बात वीडियो वायरल करने की। तो चलिए दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना होगा, दूसरी आईडी को ओपन करना होगा। आपको ये हमेशा ध्यान देना है कि आप जिस आईडी पे फेसबुक रील्स को अपलोड कर रहे हो उस आईडी से आपको उस रील्स को शेयर नहीं करना है। आपको एक अलग से आईडी बनानी है जिस आईडी से आपको उस पेज के रील्स को शेयर करना है, और ज़्यादा शेयर भी मत करना है। अब किस ग्रुप्स में शेयर करना है और इस टाइप के ग्रुप्स कैसे फाइंड कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। इस सर्च बार का एक ऑप्शन है, इस पर आपको टैप करना है। जैसे आप यहाँ पर टैप करोगे तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे ध्रुव, DHRUB ध्रुव राठी फैन, ध्रुव राठी फैन। मान लीजिए ध्रुव राठी फैन हमने लिखा, एंड नहीं ध्रुव राठी, RATH राठी लिख दिया हमने, ध्रुव राठी लिखा। अब यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो एक ऑप्शन आएगा ग्रुप्स का, ठीक है। क्या ग्रुप्स का, देखो वहाँ पे अंडरलाइन कर दिया। जस्ट हम लोग ग्रुप्स पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे देखोगे तो ये कुछ ग्रुप्स है ध्रुव राठी के नाम से जो कि चल रहे हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी वही लोग होंगे ज्वाइन जो ध्रुव राठी को पसंद करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो कुछ ऐसे ध्रुव राठी स्क्वायर, ध्रुव राठी, ये जो फैन क्लब है इसमें से मुझे लगता है कि बड़े बड़े ग्रुप्स कोई है नहीं, ठीक है। ध्रुव राठी चेला स्क्वायर, ठीक है। और देखते हैं कुछ ग्रुप्स, तो यहाँ पे इसमें ऐसा नहीं है कोई ग्रुप। तो इसकी वीडियोस को अब हम कैसे शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो बड़ा कोई ग्रुप ही नहीं है, तो इनको इस टाइप के ऑडियंस कहाँ मिलेगा वो फाइंड करने के लिए हम लोग लिखेंगे एजुकेशन, एजुकेशंस ग्रुप, एजुकेशन GROUP ग्रुप, एंड सर्च करेंगे। एंड यहाँ पे जैसे हमने एजुकेशन ग्रुप लिखा तो यहाँ पे एक ग्रुप्स का एक ऑप्शन है, इस पर फिर से हम लोग टैप करेंगे। और टैप करते ही आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप्स आ जाएंगे। 281,000 पोस्ट वो है, मेंबर्स है, इस पर 39,000 है, इस पर 39,000 है, और एजुकेशन। तो चलिए यहाँ पे 10 पोस्ट वाले पे 39,000 वाले पे क्लिक करके, और आपको ये 20 सेंटर में कहीं भी क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये खुलेगा, यहाँ पे ज्वाइन ग्रुप। तो यहाँ पे राइट समथिंग है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे राइट समथिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बता रहा है क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट। यहाँ पे आप लोग पब्लिक के लिए कुछ भी पोस्ट क्रिएट कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे उस वीडियो को वहाँ डायरेक्ट शेयर नहीं करना, उस वीडियो का लिंक कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट कर देना और शेयर कर देना। और कोई फोटो डाल सकते हो जैसे कि थंबनेल लगा के, इस हिसाब से। तो इजीली इस हिसाब से आपको करना है। और ऐसे और भी ग्रुप्स जो आपको नीचे दिख रहे होंगे, चलिए बैक हो जाते हैं। आपको यहाँ पे ये दिख रहा है ए एजुकेशन इन इंडिया, जस्ट इसके ऊपर आपको टाइप कर देना है। फिर यहाँ से इसके बीच में कहीं भी आप टाइप कर सकते हो। यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर फिर से ये राइट समथिंग का इसमें आएगा, बट राइट
समथिंग इसमें नहीं आ रहा है क्योंकि ये अपडेट नहीं हो पा रहा है, बट वैसे जो मैंने आपको बताया था वो वैसे आपको बहुत सारी जो है कि ग्रुप्स मिल जाएगी जिसको आपको ध्यान से देखना है और ध्यान से देखने के बाद ही आप समझ पाओगे। चलिए बैक आ जाते हैं। ऐसे ग्रुप्स ऑन फेसबुक, ग्रुप्स पे लिखते हैं फिर से, एंड एजुकेशन फॉर ऑल ये वाला है 47,000। जस्ट इसको ओपन करते हैं। आप देखो राइट अ समथिंग पे हम लोग क्लिक करेंगे, देन ये देखो क्रिएट अ पब्लिक पोस्ट। तो इस तरीके से आप अपने ग्रुप्स को फाइंड कर सकते हो और उस ग्रुप्स में अपने रील्स को शेयर कर सकते हो इन रील्स को, ताकि आपका रील्स जो है कि जल्दी वायरल हो जाए। और सिर्फ आपको ये एक टाइम नहीं करना है, ऐसे ग्रुप्स को आपको फाइंड करके दिन में 5-5 बार शेयर करनी है। जी हाँ मेरे दोस्त, आपको दिन में सुबह अगर कोई रील डालते हो तो उसको भी 5 बार शेयर मारो, अगर दोपहर को डालते हो तो उस पर भी, और दिन का डेली का 3 रील्स आपको डालना है। आपको ये एजुकेशन वाला रील्स है तो सुबह आपको 6 बजे डालना है, शाम को आपको 6 बजे डालना है, और दोपहर को आप 12-1 बजे कभी भी डाल सकते हो। कोशिश करना 3 रील्स डालने का। अगर रेगुलर आप लोग 10 से 15 दिन काम कर देते हो ना, इजीली आपका पेज ग्रो हो जाएगा और आप लोग अर्निंग कर पाओगे। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होगी आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, तो उन प्रॉब्लम्स को मैं बताऊँगा कि कैसे ठीक करना है। तो बाकी मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आपको बहुत ही ज़्यादा वैल्यू मिला है। मिला तो यार 1 लाइक तो बनता है। चैनल पर फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में।